ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। वाहे जो तो प्रेम खेलन का चाओ सिर तर तली गली मेरी आओ एक मार्ग पे सिर दी जय कान ना के जय आनंद गुनी निधा गुरु गरीब निवास गरीब निवास गरीब जगमग जगमग छा जगमग छाड़े जगमग छा डगमग छाड़ रे डगमग छाड़ रे डगमग छाड़ रे छाड़ रे मन भरा छाड़ रे मन भरा डगमग डगमग छाड़ रे डगमग छाड़ रे डगमग छाड़ रे मन भोरा छाड़ रे मन रे मन भोरा डगमग छाड़ रे डगमग छाड़ रे डगमग छाड़ रे डगमग छाड़ रे मन रे मन रे छाड़ो परम प्रगट होए नाचो या माया के डांडे
मन रे मन रे छाड़ो परम प्रगट होए नाचो या माया के डांडे सूर के सन मुख रन ते डर पे सूर के सन मुख रन ते डर पे सती के साचे पांडे सती के साचे पांडे अब तो जरे मरे सिद्ध पाइए अब तो जरे मरे सिद्ध पाइए लीनो हाथ संधोरा लीनो हाथ संधोरा डगमग छाड़ रे डगमग छाड़ रे डगमग छाड़ रे डगमग छाड़ रे मन बोरा डगमग छाड़ रे डगमग छाड़ रे डगमग छाड़ रे डगमग छाड़ काम क्रोध माया के लीने काम क्रोध माया के लीने या विद जगत विगुता या विद जगत विगुता कह कबीर राजा राम न छोड़ो कह कबीर राजा राम न छोड़ो सगल ऊंच ते ऊंचा सगल ऊंच ते सगल ऊंच ते ऊंचा सगल ऊंच ते ऊंचा डगमग छाड़ रे डगमग छाड़ रे डगमग छाड़ रे डगमग छाड़ रे छाड़ रे मन बोरा छाड़ रे मन बोरा छाड़ रे मन बोरा छाड़ रे मन बोरा डगमग छाड़ रे 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 देखो आओ जी फतेह वाहेगुरु जी वाहेगुरु फतेह।
हाँ जी, ये सन भाई जसविंदर सिंह जी जिन्हों तो तुम शब्द कीर्तन सरवण किया। हुण अमनदीप सर शब्द गायन करनगे, उस तो तुरंत बाद बहुत जिहड़े बच्चे ने तैयार ने साहिबजादा बाबा अजीत सिंह जी हाउस दे, उस तो पहला अमनदीप सर शब्द गायन करनगे। वाहे वाहे गुरु वाहे दम दम सदा पाल दादा तीर्था जाए दम दम सदा संभाल दादा तीर्था जाए जा
हाँ जी ये सन साढ़े अमनदीप सर जिन्हों तो तुम शब्द गायन सुन रहे थे सरवण कर रहे थे। एक मेरी बेनती है कि जो दुध छकन जा रहे ने जदों भी आ रहे ने कृपा करके क्योंकि बच्चे अनपोल ने कई बार नहीं पता हुंदा ते गुरु महाराज की हजूरी दे च नमस्कार करके ही बैठना तुसी ते बाकी हुण तकरीबन हो ही चुक्या कि सारे बच्चे छक चुके ने तो लंगर की सेवा कुछ टाइम बंद कर दी जाए कृपा करके ताकि सारे बच्चे इत्थे बैठ के गुरबाणी का आनंद माण सकन जो भी दे दिहाड़े ने उन्हां दा इतिहास सुन सकन क्योंकि बाकी दे काम तो बाद च हो जाते ने पर ये जो साड़ी विरासत है इहनू सुनन दे लई ये बच्चा इत्थे होना बहुत जरूरी है क्योंकि यही साडे आने वाले कौम का सरमाया है। जे बच्चे ही सामने होणगे तां जिहड़ा मैं कहूँगी साडा इतिहास बोलिया वो कई बार इदा लगता कि साड़ी पनीरी नू नहीं पता लग्या। कृपा करके कुछ देर दे लई बेनती आ कि तकरीबन लंगर बच्चे जो भी दुध दा छक चुके हैं गप्पे कुछ देर दे लई ये सेवा जिहड़ी रोक दी जाए क्योंकि हुण साडे सामने साडे साहिबजादा बाबा अजीत सिंह जी हाउस के बच्चे तुहाडे सामने शब्द गायन करन दे लई आ रहे ने। चारे हाउसिज वालों जिहड़े शब्द है वह गायन होणगे एक तरीके दे नाल बच्चों का जो मुकाबला कह लो। एक चीज़ एक बेनती है मेरी कदे भी थोनू कोई कथा विचार चंगी लगती है तुहाडे मन नू भौंदी है थोनू सुन के जागरूकता आउंदी है तां होर जिहड़े खुशी दे प्रोग्राम आपां उत्थे ताड़ी मार दिंदे आ कृपा करनी इत्थे ताड़ी नहीं मारनी। किसे कुछ भी चंगा लगता तुहाडे मन ते असर हुंदा तां जयकारा बुलाओ। किसे ने भी किसे भी गुरबाणी की पंक्ति ते जां शब्द ते जां कथा ते किसे ते भी ताड़ी मारनी ये बेनती है क्योंकि अज शहीदी दिहाड़े उन्हां दे जिन्हां ने साडे लई अपना सारा सरबंस वार दिता तो इन्हां बेनतियां नूं ध्यान च रखियो जी। हुण तुहाडे सामने साहिबजादा बाबा अजीत सिंह जी हाउस के बच्चे शब्द लैके आ रहे हैं तो शब्द बड़े प्यार सत्कार दे नाल तुसीं सरवण करना इत्थों लाहा खट के जाना। तुसीं देखो कि सुबह साडी अगे भी गल हो रही सी कि जदों आए सी इन्नी क ठंड लग रही सी क्या इह लगदा सी कि बच्चों नूं इत्थे किदां बिठावांगे क्योंकि मौसम ठंडा उहनां दे दिन ही ठंडे हुंदे ने पर जिवें जिवें बच्चे आउंदे गए माहौल थोड़ा फर्क पैंदा गया हुण बैठण योग हो गया क्योंकि इह वी उसे दी किरपा है उसे दे बच्चे ने तो कृपा करदा वाहिगुरू किसे ना किसे तरीके दे विच तुहानूं संभाल ही लैंदे ने आ के उह। तो हुण तुसीं बच्चों तो शब्द सरवण करोगे साहिबजादा बाबा अजीत सिंह जी हाउस के बच्चे ने तुहाडे सामने सब तो पहला फतेह कबूल करो। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। किन्निया खादियां सटा अजीत ने किन्ने खुबे ने तीर जुजार अंदर दादी तकिया बुरज दी चीत विचों फुल लुक गए ने इटां दे पार अंदर फुल लुक गए ने इटां दे पार अंदर। अज असी बड़े खुशकिस्मत हाँ कि असी चारे साहिबजादियां दी शहादत समर्पित जी दी दिहाड़ा बीजीएस दे बेड़े दे विच मना रहे हाँ और जिन्हें भी अपने कोल ए साहिबजादे हन इन्हां ने अपनी कुरबानी दे नाल ये सिद्ध कर दिता है कि कुरबानी उमरा नहीं वेखदी। असी अज भी उन्हां दे ऋणी हाँ जिन्हां चार साहिबजादियां ने आपदी शहादत दे के आपदा ते पंजाब दी कौम दा ते सिख कौम दा सारी दुनिया दे विच उच्चा कीता है। धन्यवाद।
ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਡਮ, ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਥੀਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਬੋਲ ਹਨ, ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇ ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਵਰਮ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗ ਨੰਬਰ 846 ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੀਏ। ਕਿਰਨ ਮਿਲੇ ਜਲ ਕਾ
ਹੋਈਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜੀ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ तो ये सन बाबा अजीत सिंह हाउस के बच्चे जिन्होंने तुहाडे सामने शब्द गायन किया। अगले जो बच्चे ने बाबा के जो दे लंबे किस मुकाबले या दस्तार मुकाबले जिहड़े बच्चों ने भाग लिया उन्होंने जो भी जजेज ने कृपा करके वह बच्चों प्रबंधकों तो पुछ के वह भी जिहड़ा शुरू किया जाए दस्तार मुकाबला तो लंबे किस मुकाबला। सर्दी का मौसम है तो इधर शब्द गायन जिहड़े अगले बच्चे आ रहे ने बाबा जुंझार सिंह जी हाउस के बच्चे लंबे केस मुकाबले वाले बच्चे ते दस्तार मुकाबले वाले बच्चे तैयार रहन जी क्योंकि प्रबंधकों तो पुछ के जिथे जगह जिहड़ी निश्चित की गई मुकाबले दे लई ओ बच्चे प्रोग्राम तो बाद तैयार रहने लिए कहा गया उस हिसाब के नाल तुसी अपनी तैयारी रखनी है। लंबे केसा वाले बच्चे ते दस्तार मुकाबले वाले बच्चे जिस तरह के पहला भी स्कूल की प्रथा रही है कि हर साल ये मुकाबले होंगे ने ता कि देखो आप नहीं कहते कि होर कोई कौम जा घट है ज कुछ भी है हर कोई अपनी जगह भरपूर होना पर जिवें सिख कौम का दिहाड़ा तो ये दस्तार ते केसां दी खास महानता है केसां दे लई जिहड़े साडे योधे सी कुरबानियां कर गए शहीदियां पा गए पर हुण दे बच्चां दे विच जिहड़ा रुझान है घटदा जा रहा है इस करके इस तरह के मुकाबले करवाउणे जरूरी बन गए ने तां कि बच्चां नूं केसां दी अहमियत पता लगे। जिवें कि किसी ने कहा जदों कोई दसे उदों याद करिए जदों कोई दसे उदों याद करिए सानू किसे नहीं याद कुर्बानियां दे जदों कोई दसे उदों याद करिए सानू किसे नहीं याद कुर्बानियां दे नहीं बख्श होने सरताज सिंघा साडे कम ने बड़े नदानियां दे ए दिल चों किदां विसर गई तवारीख अधूरी शहादतां दी ये दिल चो कि विसर गई तवारीख अदुती शहादतां दी चढ़ चरखड़ी ते आपा वार सिखी असी वक्री अदा इबादतां दी। तो सानू जरूरी नहीं कि असी दिहाड़ियां ते याद करिए साडे दिल दे विच साडे जिहें दे विच ओ बाबे जो छोटी उम्र दे विच ही बाबे अखवा गए उन्हां दी हमेशा याद रहनी चाहीदी है क्योंकि देखो फर्क की पिया सी लोग पहला भी जिउंदे सी जिउण नूं मर मर के जिउण नूं आपां जिउणा नहीं कह सकते अणख नाल जिउणा सिखा गए। कई बार बच्चों क्लास के भी कहीदा कि जे जयकारा हुंदा तुसी सोचो कि फतेह किवें मिलदी दिल्ली धरने की उदाहरण दे के मैं बहुत बार गल करती हुंनी आ कि सोचो चुपचाप तुसी टालियां ते जा रहे हो चुपचाप तुसी अपने वहीकल ते जा रहे हो और दिल्ली जाके बैठ गए चुपचाप उत्थे बैठ गए भाषण पर की जयकारे बिना किसी ने सुनिया क्योंकि एक एनर्जी वाइब्स ने हर धर्म दी अपनी अपनी एनर्जी वाइब्स ने एनर्जी है साड़ी हौसला मिलता सो हुण ज्यादा टाइम ना लेंदे होए साडे अगला हाउस है जो साहिबजादा बाबा जुझार सिंह जी हाउस उस हाउस के बच्चे शब्द के नाल तैयार ने साहिबजादा बाबा जुझार सिंह जी हाउस धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन पवित्र हजूरी विच विराजमान जज साहिबान प्रिंसिपल मैडम अध्यापक साहिबान अते मेरे प्यारे साथियों सब तो पहला साहिबजादा बाबा जुझार सिंह जी दे हाउस दे बच्चियां दी फतेह करो प्रवान गज वज के आखो वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।
अज असीं तुहाडे सामने शब्द गायन करन जा रहे हां, जिस दे बोल हन मन क्यों बैराग करेगा सतगुर मेरा पूरा, जो के श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंग नंबर 375 विच विराजमान है। ए शब्द साहिबजादा बाबा जुझार सिंह जी दी शहीदी नूं समर्पित है। आओ प्यारी साध संगत जीओ, रल मिल के इस शब्द दा आनंद माणिए। अमृत सर सत ही परपूरा।
हाँ जी, ये सन बाबा जुझार सिंह जी हाउस के बच्चे। हम दूसरे बच्चों को बेनती है बाबा जोरावर सिंह जी हाउस के बहुत जल्दी के नाल पहुँचन, क्योंकि सर्दी का मौसम है, बच्चों ठंड भी लग रही जो पंडाल दे बैठे ने।
ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰਨਗੇ। ਸਭ ਨੇ ਸਰਵਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਾਊਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਈ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਜੋ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਰਕੀਬ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਠੰਡ ਜੋ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਜੋ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਡਮ, ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਥੀਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬੋਲ ਹਨ, ਤਿੰਨ ਧੰਨ ਜਨੇ ਦੀ ਮਾਓ ਆਏ ਸਫਲ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗ ਨੰਬਰ 488 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣੀਏ।
ਜੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਾਊਸ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਾਊਸ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਬੱਚੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਾਊਸ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਠੰਡ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰੱਬੀ ਰੂਹਾਂ ਸੀ ਆਪਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕ ਹੈ ਪਰ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸਿਫਤ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਗਰਾ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਛੋਟੇ ਫਰਜ਼ੰਦਾਂ ਨੂੰ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆਖਣ ਜੀ ਉਸਰਨ ਦੇ ਉਹ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਦਹਿਲ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਗਏ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦੀਆਂ ਦੱਕਣੀ ਸਰਹੰਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹੀਓ ਦੀਵਾਰ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਸੁਣਿਆ ਇਸ ਕੌਮ 'ਚ ਕਾਫੀ ਹੋਏ ਦਿਲਦਾਰ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਏ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਜਿੰਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਨੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਾਊਸ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸਤ ਸਹਿਬਾਨ ਅਧਿਆਪਕ ਸਹਿਬਾਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਡਮ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਥੀਓ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੋਲ ਹਨ ਉਹ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਣੂਕਾ ਤਉ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗ ਨੰਬਰ 1102 ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੀਏ
ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਆਓ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਸਿਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਥਾਵਾਚਕ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ ਭਾਈ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਨਸਰੋ ਮਨਸੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਏਜ ਦੀ ਮਨਜੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹਕ ਹਕ ਆਗਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਅੰਦਰ ਜਿਤਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਲੱਖ ਤੇ ਜਿਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਲ ਚਾਰੋਂ ਫਰਜੰਦ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ, ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 12 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਠੰਡ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ, ਦੱਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਆ, ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਠੰਡ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ
गुरु अर्जन देव महाराज जी पातशाह जी ने जिक्र किया, पोख तुखारना व्यापई कंठ मिलिया हरना। तुखार पता की हुंदा? अत दी ठंड, बहुत ठंड हुंदी है तुखार, उन्हों तुखार कहते हैं। उन्हां नूं नहीं लगदी पोख तुखारना व्यापई कंठ मिलिया हरना, जिन्हां दे कंठ अंदर ओ ना ना तो भाव परमेश्वर, परमेश्वर तो भाव रब, रब तो भाव गुरु, जिन्हां दे कंठ अंदर गुरु वस गया उन्हां नूं ठंड नहीं लगदी। हुण जे आपां भी ठंड नूं लाउणा ते एक दो मिनट वाहिगुरु दे सिमरन दा मंत्र कर लईए, जप लईए, हो सकदा सानूं भी ठंड घट लगन लग जाए। सारिआं ने कृपा करनी है, सारिआं ने उच्ची आवाज़ दे अंदर जिवें साहिबजादिआं ने कचहरी दे अंदर जाके फतेह नूं बुलाया सी ना, उसे तरह उन्हां शहादतां नूं चेते करके सत नाम वाहे गुरु, 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 हुण आपां जो गुरु दी गल है उहदी शुरुआत करनी है। आपां नूं ठंड लग रही है ते हो सकदा सी लंगर भी छकिया होवे, कपड़े भी मोटे पहने ने। पातशाह जी जदों आनंदपुर साहिब दे किले अंदर ने ना, ते असीं तां लंगर हुण छकिया होया, कपड़े भी मोटे पहने ने, उन्हां कोल ना तां छकण दे लई कोई समान है, रसद है, ते ना पीण दे लई पाणी है, पर उन्हां ने फिर भी उस ठंड दे अंदर अपने आप नूं गुरु दे चरणां दे नाल जोड़ के उस समें नूं बतीत कीता। गुरु दे चरणां दी जिहड़ी प्रीत सी, गुरु दे चरणां दा जिहड़ा निग सी, उन्हूं नहीं छड्डिया। जिवें आपां हुण सिमरन कीता ना सारिआं ने, उह वी गुरु दे चरणां दे नाल प्रीत पा के, उह वी इह कहिंदे सी सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। उन्हां दे मन दे अंदर इह वसिआ सी, तां करके उन्हां नूं ठंड नहीं लगी। मैं कुझ कु शेर बोलूंगा ते आपां नाल ही फिर कथा दी समाप्ति कर देनी है। गल्लां जिहड़ियां आपां करनियां ने कुझ समय करनियां ने। उस समें आनंदपुर साहिब दे अंदर हालात पता की सी? समझण दा जतन करो, तुसीं बहुत स्याणे बच्चे हो, पढ़े लिखे बच्चे हो, समझण दा जतन करो। अल्लाह यार खां जोगी लिखदा पिया, जिस दम आनंदपुर में सतगुर मुकीम थे, हमरा घर के लोग थे और कुछ नदीम थे। जिस दम आनंदपुर में सतगुर मुकीम थे, हमरा घर के लोग थे और कुछ नदीम थे। फिर की होया? चारों तरफ किले को घेरे गनीम थे, टूटे से रिजक दिल सिंघां दो नीम थे। प्यासे थे और भूख की शिद्दत कमाल थी, प्यासे थे और भूख की शिद्दत कमाल थी, थी मुख्तसर सी फौज बोवी ने डाल थी। हुण इहनूं समझण दा जतन करियो। जदों पातशाह जी आनंदपुर साहिब दे अंदर रह रहे सन ना किले दे अंदर,
उन्हां कोल कौन कौन सी? एक तो घर के लोग हो गए, माता बुजुर्ग कौर जी हो गए, मातावां हो गई, कुछ क सिंघ सी, ते चारों फरजंद गुरु के चारे लाल गुरु साहब जी दे कोल सी। ते हालात उन्हां दा ए सी, टूटे से रिजक दिल सिंघां दो नीम ते, खाण दे लई कोई रसद नहीं सी, कोई रोटी नहीं सी, पीण दे लई पानी नहीं सी, प्यासे थे और भूख की शिद्दत कमाल सी, बहुत उन्हां नूं भुख लगी सी। ही मुक्त सर सी फौज, गुरु दे कोल कुछ की जेड़े सिपाही सी, ही मुक्त सर सी फौज वो भी निडाल थी। हुण सानू कुछ खाण दे लई ना मिले ते किन्ना समां सी भुख नूं कट सकदे आ। उस तरह उन्हां दा हालात सी जदों आनंदपुर साहब दे अंदर सी ना, उस आनंदपुर साहब दे अंदर जिथे पहला सारा दिन लंगर छकदा सी, लंगर चलदा सी ते संगत छकदी सी, हुण उस आनंदपुर दे अंदर खाण दे लई रसद नहीं, पीण दे लई पानी नहीं हैगा, उपरों इन्नी ठंड भी पैंदी है। सिंघां ने पता की कीता उस समय, भुख नूं जरदियां होया अपने जेडे ढिड दे उपर कमर कस्से बन्ने सी ना, उन्हां नूं जोर नाल बन्निया, ते सोचदे सी वी असीं जोर नाल बन्नांगे ते सानूं भुख शायद घट लगे। चलो अगे चलदे हां। इस तों बाद हुण जेडे मुगल हकूमत ते पहाड़ी राजे जेडे, उन्हां ने गुरु साहब जी नूं कहा ना, तुसीं किले नूं छड्ड दो ते असीं तुहानूं कुछ नहीं कहांगे। कुरान की कसम खाधी उन्होंने, औरंगजेब ने कुरान ते अपने दस्खत करके भेजा भी असी तुहाडी वाह वाल नहीं वेखांगे, तुसी जिधर जाना चाहते हो जा चले जावो। ते हुण सतगुरु सरसा नदी के किनारे आए ने, कीरतपुर साहब के कोले आए ने। जिवें आपां हुण सिमरन किया ना, जिथों गल की आपां शुरुआत की है, 5-10 मिनट होर ध्यान दो, इस तो बाद समाप्ति हो जानी है। अपन सिमरन किया है उस तरह, हुण गुरु साहब जी ने जो सानू नेम दिता नितनेम, गुरुद्वारे साहब के अंदर आप जाने आसा दी वार दा कीर्तन हुंदा, तो ताही हो हुंदा क्योंकि गुरु पातशाह जी ने उस समय आप कीर्तन किया। भावें उपरों मीह भी पै रहा, हुण तां हवा ही चलती पई है ना, आप बैठे हाँ, आपां नूं ठंड लग रही है, उपरों मीह भी पै रहा उस समय, तो मुगल हुकूमत के जिहड़े सिपाही ने वह भी गुरु की जान लैण दे लई वो दौड़ते आ रहे ने भी असीं किस समय गुरु नूं पकड़ लईए, गुरु दे गल नूं वढ के असीं औरंगजेब दे हवाले कर दईए। ते सरसा दे पाणी दा भी बहाव जिहड़ा वह भी बहुत तेज है, पर उत्थे भी गुरु पातशाह जी ने अपनी बाणी दा लड़ नहीं छड्डिया, उत्थे बह के भी आसा दी वाह दा कीर्तन आप पातशाह जी ने सरंदा लिया ते आप कीर्तन किया। ते साडे लई इह पूरने पा दित्ते भी भावें अत दी ठंड होवे, अत दा कोई दुख दा समां साढ़े होवे, पर असीं नेम नूं नहीं जे छड्डना। अल्लाह जार खान जोगी की लिखदा, सतगुरु अब आन पहुंचे ते सरसा नदी के पास, सतगुरु अब आन पहुंचे ते सरसा नदी के पास, थे चाहते बुझाएं 12 पहर की प्यास, इशनान करें और बदल के नया लिबास, इशनान करें और बदल के नया लिबास, वाहे गुरु का नाम जपें और करें शपाश, जप जी का जप इस घड़ी करना जरूर था, इस घड़ी करना जरूर था, पढ़ के ग्रंथ और बढ़ाना सुरूर था। भावें गुरु की जान ते बनी है, गुरु नूं पकड़न दे लई बड़े जड़े जतन कर रहे, उन्होंने अपनी खादियां हुई कसमां नूं तोड़िया, किते हुए कौलां नूं तोड़िया, पर गुरु पातशाह जी ने उत्थे भी मीह दे पैंदे होए भी सरसा दे पानी दे वहा दा वो जिहड़ा बहन वह भी तेज हो रहा, यह सब कुछ हुंदे होए भी गुरु ने बाणी दा लड़ नहीं छड्डिया। क्योंकि जिवें आपां गल दी शुरुआत जिथों की सी, पोख तुखारना व्यापई कंठ मिलिया हरना, उन्होंने उस नाह नूं उस सज्जन नूं उस पति नूं परमेश्वर नूं पाया होया सी, ते जिहड़े सिंघ सी उन्हां ते भी गुरु की बख्शिश सी, गुरु की असीस नूं उन्हां ने माणिया सी, गुरु के प्रताप नूं उन्हां ने तकिया सी, गुरु के चरणां दे नाल जिहड़ी प्रीति सी उन्हूं बरकरार रखिया सी, उन्हूं कायम कीता सी, नेम नहीं सी छड्डिया। चलो अगे चलते हैं। हम
हुण सरसा नदी पार होई है। तीन हिस्सों के अंदर परिवार वंडिया गया। वड्डे साहिबजादे गुरु पिता जी भाई दया सिंह जी भाई धर्म सिंह जी। भाई दया सिंह धर्म सिंह बारे आप जी नूं बखूबी पता होवेगा ना, दस सकदे हो कौन सी भाई दया सिंह जी? पंज प्यारिआं दे अंदरों वह गुरु पातशाह जी दे नाल ने, वो एक पासे चले गए ने, ते दूजे पासे जिहड़े छोटे साहिबजादे जिन्नी उमर तुहाडी आ उन्नी उमर उन्हां साहिबजादिआं दी आ, बाबा जोरावर सिंह जी बाबा फतेह सिंह जी, वो माता गुजर कौर जी ते जिहड़ा गंगू ब्राह्मण आ वो एक साइड ते हो गए ने। हुण मातावां भाई मणि सिंह जी दे नाल ने, उन्हां ने दिल्ली वल नूं जाणा है, परिवार का विछोड़ा पै गया। हुण परिवार का विछोड़ा पै गया, पातशाह जी ने चमकौर की गढ़ी वल चले जाना। छोटे साहबजादियां ने जिहड़े मुरिंडे के कले अंदर आके जिहड़ा मुरिंडे की जेल है उत्थे जाके कैद हो जाना, क्योंकि गंगू ने बहुत बड़ा पाप कमाया, तो फिर अगे उन्हां दी शहादत होनी है। हुण पातशाह जी ते वड्डे साहबजादे वो चमकौर की गढ़ी के अंदर पहुँचते ने। इत्थे आके गुरु पातशाह जी ने अपने दोवें पुत्र उन्हां नूं बारना है। गुरु ते गुरु दे सिख दा जिहड़ा प्रेम आ ना, इत्थे आके सानूं पता लगदा वी गुरु किन्ना प्रेम करदा सानूं। सानूं इत्थे जाके अहसास हुंदा वी गुरु सानूं किन्ना प्यार करदा। गुरु ने सानूं क्यों अपने धीआं पुत्र बनाया, क्यों सानूं अपने पुत्र बनाया। उस जगह ते पहुँच के गुरु पातशाह जी नूं पता है वी मैं इत्थे अपने जिहड़े फरजंदां नूं अपने लालां नूं अपने साहिबजादियां नूं मौत ब्यौंदे होए देखना है। जदों रात नूं पहुंचे ने ना, पहलां तां आनंदपुर साहिब तों कुछ खाधा नहीं, कुछ पीता नहीं, प्यास भी लगी है, भुख भी लगी है। हुण सरसा दे अंदरों लंघ के गए ने, कपड़े भी गिले ने, ते रात नूं जाके हुण जदों विश्राम करना चाहुंदे ने, उन्हां दे अंदरों कोई हुण पैण दे लई वी उन्हां कोले कोई साधन नहीं। आपां तां हुण जाके छुट्टी तो बाद हो सकता मातावां नूं कहीए वी रजाइयां कढो ते असीं उन्हां अंदर पैणा, हीटर भी चलावांगे, पर उन्हां कोल ना कोई रजाई ना कोई तलाई ना कोई हीटर का प्रबंध। हुण उन्हां ने की कीता, जिहड़े घोड़ियां दे उत्ते सवार सी ना उन्हां दे उपरों काठियां नूं लाया, उन्हां दे उपर सिर रखे ने, जिहड़े पए ने खाक दे उत्ते पए ने। ते जिहड़े हुण कुझ क सिंघ उह रात नूं आराम करन लगे ने, ते जिहड़े कुझ सिंघ ने उह पहरेदार बन के उन्हां दी रखवाली कर रहे ने। हुण जिहड़े सिंघ पए ने ना रात नूं, क्योंकि थके टुटे ने, शरीर अंदर तां कोई नहीं बल कोई नहीं, बस केवल सहारा गुरु दा ते गुरु दी बाणी दा है। हुण गुरु दा सिखां नाल प्रेम पता किन्ना, जिहड़े पए ने ना गुरु पातशाह जी उन्हां कोल जांदे ने रात नूं, उन्हां कोल जाके जिन्हां दे सिर तों परने लै गए ना, क्योंकि जंग दे अंदरों आए ने, सरसा दे अंदरों लंघ के आए ने, ते हुण पैण वेले जिन्हां दे सिर तों परने लए ने ना, दमाले लथे ने, गुरु पातशाह जी उन्हां दे दमालिआं नूं सही करदे पए ने। जिन्हां दे कमर कसे ढिले होए ने ना गुरु पातशाह जी, क्योंकि जख्म बहुत लगे ने सिंघां दे, जंग दे अंदरों लंघ के गए ने बहुत दलेरी दे नाल, गुरु पातशाह जी दे जिहड़े सिंघ ने उन्हां ने दुश्मनां दा मुकाबला कीता। हुण उन्हां दे जिथे परने सिट कर रहे ने, जिथे उन्हां दे जख्म आए ने, जमया होया शरीर दे उपर लहू है, उन्हां नूं साफ करदे पए ने। जिथे गुरु पातशाह जी उन्हां नूं गलां दे नाल ला रहे ने, उन्हां दे गल नूं चुम रहे ने। ते इत्थों तक इतिहास दे अंदर जिक्र आउंदा गुरु पातशाह जी अपने सिखां दे पैरां नूं चुमदे पए ने, पैरां नूं हत्थ ला ला के ना, जिहड़े उन्हां दे शरीरां दे उपर पैरां उपर घाव आए ने, उन्हां नूं हत्थ ला ला के गुरु पातशाह जी आप मूँह दे नाल चुमदे पए ने। होएगा कोई ऐसा गुरु दुनिया दे? आप जी ने अगे जाके होर स्टडी करनी है, पढ़ना है, ते आप जी पढ़िया पढ़ोंगे जदों तुहानूं पता लगेगा भी दुनिया दा कोई भी इतिहास, दुनिया दी किसे भी किताब दे अंदर सानूं इह पढ़न नूं नहीं मिलदा भी किसे पैगंबर ने जिहड़े उन्हां दे शरधालू ने ना, जां जां उन्हां दी जिहड़ी संगत है उन्हां नूं अपने पुत्र बनाया होवे, उन्हां दे पैर चुम्मे होण, उन्हां दे जिहड़े लगे होए शरीर ते घाव ने उन्हां नूं साफ कीता होवे। चमकौर दी गढ़ी दे अंदर भाई दया सिंह जी ना जदों गुरु पातशाह जी खलोते ने,
क्योंकि गुरु दे नाल संगां दा प्रेम बहुत आ। उन्हां नूं कहिंदे ने गुरु पातशाह जी मेरी बेनती नूं स्वीकार करो, मेरी गल तुसी मन्नो, तुसी ना अपने पुत्र ने जिहड़े उन्हां नूं लैके इत्थों चले जावो, चमकौर दी गढ़ी नूं छड्ड देवो। गुरु पातशाह जी हसे, फिर कहा गुरु पातशाह जी मेरी गल नूं मन्नो ते तुसी अपने पुत्र ने जिहड़े उन्हां नूं इत्थों लैके ते तुसी आप इत्थों गढ़ी नूं छड्ड जावो। जदों तीजी वार कहण कहन लगे, ओ वेखो किन्ने जिहड़े पंछी आए ने जिहड़े मांस खाण वाले ने। गुरु पातशाह जी मैं कुछ कह रहा, पातशाह जी ने फिर कहा, देखो भाई दया सिंह जी, ओ वेखो किन्ने पंछी आए ने। जदों हुण इह कह रहे ने ते फिर जाके पिता दशमेश जी ने कह दिता भी तुसी साडे पुत्र नहीं हो, जे तुसी साडे पुत्र नहीं हो ते मैं अपने पुत्रां नूं लै के चला जांदा हां, पर मैं तो तुहानूं अपने पुत्र बनाया है, मैनूं तां अपने फरजंदां दे अंदर ते तुहाडे अंदरों कोई फर्क नहीं नज़र आउंदा। जिथे मैनूं अपने लाल प्यारे ने ते उत्थे तुसी मैनूं उन्ने तुसी मैनूं प्यारे हो, क्योंकि तुसी ना तां कोई तनखाह लैती है ना तां कोई तुसी मेरे तो पैसे लए हो, ते तां वी तुसी मेरी अत दी ठंड दे अंदर मुगल हकूमत पिछे लगी हो फिर भी मेरा साथ नहीं छड्ड रहे, ते तुसी भी किसे दे पुत्र हो पर हुण तुसी मेरे पुत्र हो। इसे लई गुरु पातशाह जी दे अंग संग हो रहे। ते हुण चमकौर दी गढ़ी ते आपां आए आं, इत्थों जिहड़े वड्डे फरजंद बाबा अजीत सिंह जी ते बाबा जुझार सिंह जी उन्हां ने शहीद होना है। पहलां जिथे चमकौर दी गढ़ी दे अंदरों कुझ जथे सिंघां दे जंग करन दे लई चले गए ने, हुण बाबा अजीत सिंह जी आप जंग दे अंदर गए ने, उन्हां योधियां दी शहीदी नूं आ मना रहे हुण। ते हुण मन दे अंदरों जिहड़ी फोटोग्राफी उह मन अंदर इमेज बनाओ, किदां लड़े होणगे बाबा अजीत सिंह जी जिन्हें उन्हां कोले तीर सी उन्हां ने सारे चला दिते, अपनी कृपान दे जोर दिखाए, नेजे दे जोर दिखाउंदे ने, ते अंत ते आके जिथे नाले गुरु पातशाह जी दी बख्शिश जिहड़ी गुरबाणी है उह पढ़ रहे ने, देह शिवा वर मोह इह शुभ करमन ते कबहू ना डरू। नाले गुरु पातशाह जी दी बाणी पढ़ रहे ने ते नाले जंग कर रहे ने, अत ते जदों अंत ते आके जदों सारे हथियार मुक गए ना ते बहुत सारे बैरियां ने एकदम हमला किया ते बहुत सारे तीर गुरु दे फरजंद बाबा अजीत सिंह दे ओ लगे ने शरीर ते, कोई थां नहीं बची जिथे तीर ना लगे होणगे, पूरे शरीर नूं दुश्मनां ने तीरां दे नाल बिन्न के रख दिता, एक इंच भर भी जिहड़ा शरीर दे उपरों स्थान नहीं बचा जिथे गुरु दे साहिबजादे दे बाबा अजीत सिंह दे जिथे तीर ना लगे होण। इसे तरह हुण जदों पुत्र दी शहीदी नूं देख रहे ने ना ते गुरु पातशाह जी चमकौर दी गढ़ी दे उपरों जयकारे लाउंदे पए ने, नाले कहिंदे ने शाबाश पिसर क्या खूब लड़े हो, शाबाश पिसर क्या खूब लड़े हो, ते नाले जयकारे लाउंदे पए ने। ये देंदे ने नाल ही बाबा जुझार सिंह जी गुरु पातशाह जी दे कोल पहुँच जाते हैं भी हुण मैं जंग अंदर जावांगा, हुण मैं जंग दे अंदर जाके शहीदी पावांगा। ते शहीदी कादे लई पाई है, उन्होंने राजभाग दे लई पाई है, उन्होंने राजमहलां दे लई पाई है, उन्होंने अपने सुख दे लई पाई है, नहीं भलिओ उन्होंने साडे लई शहीदी पाई है। ते जे ना शहीदी पाउंदे ना ते अज आपां इत्थे बैठे इदां इकत्तर नहीं सी हो सकदे, इदां कट्ठे नहीं सी बैठ सकते, ये जिहड़ा देश होना सी देश नहीं सी रहना, ये हुण जिथे असी सिरां ते दस्तारां बन्नियां ने ना अपने सिरां दे उपर परने बन्ने ने, ये नहीं सी होने, हुण साडे सिरां ते टोपियां होणियां सी, असी मुगलां दे गुलाम होना सी, इसे लई उन्हां नूं शहीदियां पाईआं। साहिबजादा बाबा जुझार सिंह जी जंग दे अंदर जांदे ने, पातशाह जी ने गुरु पातशाह जी ने उन्हां नूं आप जंग दे अंदर भेजन दे लई आप अपने पुत्र नूं तैयार कीता। नाले कह रहे ने जदों तुहाडे शरीर दे उपर कृपाना दे बार होने ने ना, तुहाडे तीर लगने ने ना, ते तुसी मन दे अंदर सी नहीं कहना, हाए नहीं कहना, तुसी अपने दादा जी नूं याद करना, गुरु तेग बहादुर पातशाह जी नूं याद करना भी उन्हां ने औरंग जेब दे जुल्मां दा सामना करदे होए किसे दा धर्म बचाउण दे लई अपने आप दा जिहड़ा बलिदान दित्ता सी,
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਗਣੇ ਤੀਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਵਾਰ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਬੜੀ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੜੇ, 10-20 ਕੋ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਆ, 10-20 ਕੋ ਮਾਰਾ, ਗੁਲ ਮਚ ਗਿਆ ਜਬ ਇੱਕ ਨੇ 21 ਕੋ ਮਾਰਾ, ਕਵੀ ਖਨਾਸ ਕੋ ਮਾਰਾ, ਕਵੀ ਖਲੀਸ ਕੋ ਮਾਰਾ, ਏਦਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਵਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਾਸੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਦ ਬਿਨ ਰੋਗ ਰਜਾਈਆਂ ਦਾ ਉੱਡਣ, ਨਾਗ ਨਿਵਾਸਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਯਾਰੜੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਥਰ ਚੰਗਾ, ਭੱਠ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਧਰ ਚੱਲ ਗਏ ਨੇ ਮਾਸੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਰਾਂ ਦਾ ਡਿੱਬਾ ਸੀ ਉਹ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਚੁਰਾਇਆ। ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਆਪਣੂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੋਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਮੁਰਿੰਡੇ ਕੋਤਵਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੈਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਠੰਡ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਥਿਰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਉਹ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਚਹਿਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਚਹਿਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਨੇ ਉਹ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਦੀ, ਅਤੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਤਵਾ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ ਹੋਇਆ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਪੰਗੂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਕੰਬ ਰਹੇ ਸੀ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਵਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਬ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਉਹ ਲਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿਣਿਆ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਨਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਪੰਗੂ ਲਿਖਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੱਕ ਪੂਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਤਲ ਹਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟਾ ਸੀ ਨਾ, ਗੋਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੇ ਸੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਸੀ ਉਹ ਲਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਲੇਲੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਟੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਈਨ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ, ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਮਹਿਲ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਨੇ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਬੈਠ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਨੀਹਾਂ ਅੰਦਰ ਚਿਣਿਆ ਜਾਣਾ, ਕੰਧਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਧ ਕੱਢਦੇ ਕੱਢਦੇ ਜਦੋਂ ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਜਲਾਦਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੰਧ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕੰਧ ਚੌੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੱਪਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕੰਧ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਰਹੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇ ਤਸੀਹੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੱਲੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿਣਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ, ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਪਾਈ, ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ। ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ, ਜਦੋਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲ ਨੇ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ
इन पुत्रन के शीश पर वार दिए सत चार, चार मुए तो क्या हुआ जीवत कई हजार। कहने लगे जे चार मर गए तो की गल, बहुत सारे जेड़े हजारे पुत्र ने धियां ने ये मेरे धियां पुत्र ने, सानू अपने धियां पुत्र बनाया, तो इसलिए हुण साडा भी फर्ज बनता ना, साडा सरूप भी गुरु वर्गा होवे, असी भी गुरु के जेड़े पाए हुए पूरने ने उन्हां उपर चल के साहबजाद्यां दी रीस करिए, असी भी अपना जीवन उन्हां वर्गा बनाईए, असी भी गुरु के नाल प्रीत नूं इस तरह का बना लईए भी कदे भी टुटे ना, साडा भी भरोसा साडा भी जेड़ा अकीदा है साडा विश्वास गुरु ते पूर्ण तौर ते बन जावे, तां कि असी भी हमेशा गुरु दे सिख बन के गुरु दे पुत्तर बन के जिंदगी नूं बतीत कर सकी। आप सारिआं दा बहुत बहुत मैं तहि दिलों धन्नवाद करदा जिन्हां ने ये विशेष तौर पर समागम नूं रचिया, समूह मैनेजमेंट कमेटी का, प्रिंसीपल मैडम का, आप समूह बच्चों का बहुत बहुत धन्नवाद। एक दो मिनट लैके असी सिमरन करके समाप्ति कर देनी है, एक दो मिनट के नाल साडी जिहड़ी ठंड फिर लै जानी है, सारे कर दो कृपा उच्ची आवाज के अंदर, सत नाम वाहे गुरु, सत नाम वाहे गुरु, सत नाम वाहे गुरु, सत नाम वाहे, सत नाम वाहे गुरु, सत नाम वाहे गुरु, धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी, 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 गोविंद सिंह जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਕਲਾਸ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਪਤੀ। ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਹੁਣ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ, ਹੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਆਨੰਦ ਏਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਵਰਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ, ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਿਵਾਰ ਭਰੀਆਂ, ਸਭ ਦਗਾ ਬਣਿਆਈਆਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਦਗਾ ਵਰੀ ਕੇ ਰਾਮਣ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰੇ ਆਤ ਸਦਰ ਹਰਨਾਲੇ, ਹਰਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁੱਖ ਸਾਵੇ ਸਾਰਣਾ, ਅੰਗੀਕਾਰ ਹੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਣਾ। ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰਾ ਸੁਆਮੀ, ਸੁਖ ਮਨ ਵਿਸਾਰੇ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰਨਾਲੇ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ। ਕਿਆ ਨਾਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰਾ ਕਰਤਾ, ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਜਿਹ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੇ, ਸਦਾ ਸਿਵ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਨ ਵਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕਾਮ ਵਸਿਆ ਬਾਜੇ, ਸ਼ਬਦ ਘਨੇਰੇ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ। ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰਾ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ, ਜਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ, ਕਰਸਾਨ ਸੁਖ ਮਣਿਆਏ ਵਸਿਆ, ਜਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ, ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿੱਟ ਹੋ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਹੈ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਹੋ ਸੰਤ ਹੋ, ਸਭ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਬਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਕਰ ਸੁਭਾਗੈ, ਕਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ, ਕਲਾਇਤ ਕਰ ਧਾਰੀਆ, ਪੰਚ ਦੂਤ ਦਵਸ ਕੀਤੇ, ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ,
तुर कर्म पाया तुद जिन कौ से न मर कै लागे कह नानक तह सुखुआ तत कर अनहद वाजे सुन होवड़ भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म पाया उतरे सगल वसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची वाणी संत साजन भये सरसे पुरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सत गुर रहया पर पूरे विनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तुरे। श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत दिस रात दुदाई दाया खिलै सगल जगत चंगियां बुरियां वाचा धर्म दूर करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर। जपो जी सारे जिनी नाम ते आया गए काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तुम ठाकुर तुम पहे अरदास। सगल समगरी तुमरे तुमते होए स्वाग्याकारी तुमरी गत मित नानक दास सदा कुर्बानी। वाहिगुरु 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 अरदास। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतह। श्री भगौती जी सहाय पातशाही दसवें प्रथम भगौती सिमकै गुरु नानक लई ध्याय फिरंगत गुर ते अमरदास रामदास होई सहाय अर्जन हर गोविंद नौ सिमराओ श्री हर राय श्री हर कृष्ण ध्याई है जिस डिठै सब दुख जाए ते बहादुर सिमरे हर नाउण दयावै धाय सब थाई जी सहाय दसवें पातशाह साहेब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज सब थाई हो जी सहाय दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दर्शन दीदार दा ध्यान तरके बोलना जी पंजा प्यारियां चौह साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हटियां जापियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड सकाए चलाई तेग वाही देख सुन के अंठ कीता तिन्हां प्यारियां सचारियां दी पवित्र कमाई का ध्यान करके बोलना जी। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए खोपड़ियां लहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आरिया ना चराए गए गुरद्वारियां की सेवा लई कुरबानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसा सुसा ना निवाही तिन्हां प्रार्थना ते वर्तमान दे समय दे शहीदां माइयां पुंगियां दी पवित्र कमाई का ध्यान करके जी। आप जी दे हजूर पंजा तख्तां सरबत गुरद्वारां ते करके बोलना जी। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। नाम चित आवे चित आवन का सदका सर्व सुख होवे जहां जहां जी खालसा साहेब तहां तहां रिश्या रियायत देग तेग फते बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल वाले बोलना जी। वाहिगुरु आप जी के सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सरदान नाम दान श्री अमृतसर जी के दर्शन स्नान चौंकियां झंडे बूंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार खालसा जी के बोल वाले बोलना जी। वाहिगुरु आप जी के सिखा का मन नीवा मत उची मत पत दा राखा हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जियो श्री ननकाणा साहिब ते होर गुरद्वारा जिन्हां तो प्यारे खालसा पंथ नू विछोड़िया गया है जी
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ, ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾ ਪਾਸ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋੜੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਜੀਵਨ ਕੀ ਸਾਡੇ ਆਸ ਹੋ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਣਕਾ ਤੋਂ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਰਜੰਗ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਔਰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਮੁੱਚੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲਿਓਂ, ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ ਵੱਲਿਓਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲਿਓਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਗਾਂਧਾ ਸਿੰਘ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਔਰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦੀ ਲਸਾਨੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਮੂਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲਿਓਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲਿਓਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿਹਾਵਲ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਦੇਖ ਸਜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ ਆ, ਭੋਗ ਲਾਵੋ। ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭੋਜਨ ਬਹੁ ਕੀਏ, ਬਹੁ ਵਿੰਜਨ ਮਿਸ਼ਟਾਏ, ਕਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੋਚ ਪਿਤਰਾ ਹੁਣ ਲਾਭ ਭੋਗ ਹਰਾਏ। ਆਪ ਜੀ ਕੋ ਭੋਗ ਲੱਗੇ, ਆਪ ਜੀ ਕੀ ਰਸਨਾ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਜੀ ਸਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਪੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਦੇ, ਸੇਵਾ ਸਰਣ ਕਰਨ ਦੇ ਬਲ ਉਦਮ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਔਰ ਬਾਬਾ ਗਾਂਧਾ ਸਿੰਘ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਮਿਹਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਪਹਿਸਾਖੇ ਪਹਿਨਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਨੇ, ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅਰ ਪਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਦੇ ਗੱਜ ਲੈਣੇ ਜੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਜੀ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ, ਦਰਗਾਹੀ ਔਰ ਅਲਾਹੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਦਰੋ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ। ਅੜੇਸ ਚੜੇਸ ਉਤਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਭਈ ਕਾਲ ਕੀ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲ ਹੈਗੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਦਾ ਕਰ ਸੇਮ ਦੇ, ਜੋ ਸਰਦਾ ਕਰ ਸੇਮ ਦੇ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਜੀਵਨ ਕੀ ਸਾਡੇ ਆਸ, ਹੋ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਣੁਕਾ ਤਾਉ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋ ਰੱਠ ਮਹੱਲਾ ਨਵਾ, ਜੋ
पुनर दुख मैं दुख नहीं माने, सुख स्नेह और पै नहीं जाके, कंचन माटी माने। जो नर दुख मैं दुख नहीं माने, सुख स्नेह और पै नहीं जाके, कंचन माटी माने। राव नह निंदया नह उस्तत जाके, लोभ मोह अभिमाना, हरख सोग ते रह न्यारा, नाहे माण अपमाना, आसा मनसा सगल त्याग, जगते रह निरासा, काम क्रोध जह परसे नाहिन, तह कट ब्रह्म निवासा। गुर कृपा जह नरका किनी, तह जुगत पशानी, नानक लीन पयो गोविंद स्यों, ज्यों पानी संग पानी। गुर कृपा जह नरका किनी, तह जुगत पशानी, नानक लीन पयो गोविंद स्यों, ज्यों पानी संग पानी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हाँ जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अरदास तो उपरंत देग दा वर्तारा होएगा, अते गुरु महाराज अपने स्थाना वल चाले पाउणगे। सो जो बच्चे ने ते टीचर ने उन्होंने नमस्कार करके गुरु महाराज की सवारी नू अपनी अपनी जमातों दे विच चले जाना, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। उस तो बाद जो भी कोई ब्यौतबंदी होएगी तुहानू क्लासिस दे विच ही मैसेज पहुँच जाएगा। तो सब दा इत्थे पहुँचण ते धन्नवाद, स्पैशली जो बाहरों आए जो भी पतवंते सज्जन ने जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब दी विच अपना शीश नतमस्तक किया, ते बच्चियां दा भी बहुत बहुत धन्नवाद जिन्होंने इन्नी ठंड दे विच शांति बनाई रखी। बहुत बहुत धन्नवाद सब दा, समुची मैनेजमेंट वालों, प्रिंसीपल मैम वालों, सब दा इत्थे पहुँचण ते बहुत ज़्यादा धन्नवाद। आस करते हैं कि सब ने कुछ ना कुछ दा ग्रहण किया होएगा। ਹੁਣ ਦੇਖਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪਾਂ ਜੋ ਸਰੂਪ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਸਣਾਂ ਵੱਲ ਜਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਕਬਿਓ ਬਾਟ ਬੇਨਤੀ ਹੋ ਪਈ, ਅਮਰੀ ਖਾਤ ਦਾ ਰੱਖਾ ਪੂਰਨ ਹੋਈ, ਇੱਛਾ ਤਵ ਚਰਨਨ ਮਨ ਰਹਿ ਹਮਾਰਾ, ਆਪਣਾ ਜਾਨ ਕਰੋ ਪਰਤ ਪਾਰ, ਅਮਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਸਭ ਤੁਮ ਕਾਬ ਹੋ, ਆਪ ਹਾਸਤ ਮੋਹਿ ਬਚਾਵ ਹੋ, ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮੋਰੋ ਪਰਿਵਾਰ, ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਸਭੈ ਕਰਤਾਰਾ, ਛਾਨ ਕਰਦੇ ਕਰਿਆ ਸਵਰਨ ਗੋ ਆਜ ਸੰਗ੍ਰਿਆ, ਪੂਰਨ ਹਮਾਰੀ ਆਸਾ, ਤੋਰ ਭਜਨ ਕੀ ਰਹਿ ਪਿਆਸਾ, ਤੁਮ ਹੈ ਛਾੜ ਕੋਈ ਅਵਰ ਨਾ ਧਿਆਉ, ਜੋ ਵਰ ਚਾਹੋ ਸੋ ਤੁਮ ਤੇ ਪਾਉ, ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਹਮਾਰੇ ਤਾਰੀ ਹੈ, ਚੁਣ ਚੁਣ ਸਤਰ ਹਮਾਰੇ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਆਪ ਹਾਸਦੈ ਮੁਝ ਉਭਰੇ, ਮਰਨ ਕਾਲ ਕਾ ਤ੍ਰਾਸ ਨਿਵਰਿਆ, ਹੂ ਜੋ ਸਦਾ ਹਮਾਰੇ ਪੱਛਾ, ਸ੍ਰੀ ਅਸਤੂ ਜੋ ਕਰਿਓ ਰੱਛਾ, ਰਾਖ ਲੇ ਹੋ ਮੋਹਿ ਰਾਖ ਨਹਾਰੇ, ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਸਹਾਇ ਪਿਆਰੇ, ਦੀਨ ਬੰਦ ਦੁਸ਼ਟਨ ਕੇ ਹੰਤਾ, ਤੁਮੋ ਪੁਰੀ ਤਰਦਸ ਕੰਤਾ, ਕਾਲ ਪਾਏ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਪਤਰਾ, ਕਾਲ ਪਾਏ ਸਿਵ ਜੋ ਅਵਤਰਾ, ਕਾਲ ਪਾਏ ਕਰ ਬਿਸਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ, ਸਗਲ ਕਾਲ ਕਾ ਕੀ ਆਤਮਾਸਾ, ਜਵਨ ਕਾਲ ਜੋਗੀ ਸਿਵ ਕੀਓ, ਵੇਦਰਾਜ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੂ ਥੀਓ, ਜਵਨ ਕਾਲ ਸਭ ਲੋਕ ਸਵਾਰਾ, ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਤਾਹੇ ਹਮਾਰਾ, ਜਵਨ ਕਾਲ ਸਭ ਜਗਤ ਬਣਾਇਓ, ਦੇਵ ਦੈਤ ਜਿਸਨੂੰ ਪਜਾਇਓ, ਆਦਿ ਅੰਤ ਏਕ ਅਵਤਾਰਾ, ਸੋਈ ਗੁਰੂ ਸਮਝੋ ਹਮਾਰਾ, ਨਮਸਕਾਰ ਤਿਸ ਹੀ ਕੋ ਹਮਾਰੀ, ਸਕਲ ਪ੍ਰਜਾ ਜਿਨੇ ਆਪ ਸਵਾਰੀ, ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਸਭ ਗੁਣ ਸੁਖ ਦਿਓ, ਸਤਰਨ ਕੋ ਪਲ ਮੋਹ ਬਧ ਕੀਓ, ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਣਤ, ਚਿੱਟੀ ਤੇ ਕੁੰਚਰੇ ਸਥੂਲਾ, ਸਭ ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਫੂਲਾ, ਸੰਤਨ ਦੁੱਖ ਪਾਏ ਤੇ ਦੁਖੀ, ਸੁਖ ਪਾਏ ਸਾਧੁਨ ਕੇ ਸੁਖੀ, ਏਕ ਏਕ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਣੈ, ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਪਟ ਪਟ ਕੀ ਜਾਣੈ, ਜਪਤ ਕਰਕ ਕਰਾ ਕਰਤਾਰਾ, ਪਰਜਾ ਧਰਤ ਤਵ ਦੇਹ ਅਪਾਰਾ,
जब अकरह करत हो कभों तो मैं मिलत देह तरसब हों देते बादन श्रेष्ठ सब तार है आप अपनी बूझ उचार है तुम सब ही तेरा है तनरालम जानत वेद भेद वर वालम निरंकार निर्वकार निर्लंब आद नील नाद संभ ताका मूढ़ हो जारत भेदा जाको भेव न पावत भेदा ताको कर पहन मानत महामूढ़ कश भेद न जानत महादेव को कहत सदा शिव निरंकार का चिंतन है पिव आप अपनी मुद है जेती वर्णत भिन भिन तो हे तेती तुमरा लखन जाय पसारा के हे बेद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंग भयो राव कही भूपा अंडज जेरज सेतज कीनी उत्पुज खान बहुर रच दीनी कहूँ फूल राज बैठा कहूँ समय भयो शंकर कैठा सगरी सृष्ट दिखाए अचंपव आद जुगाद स्वरूप सियंपव अब्रच्छा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संगरो दुष्ट जिते उठवा तुत पाता सकल मलेश करो रण काता जे अस्तु तब सरनी परे तनके दुष्ट दुख तब मरे उर्ख जवन पग परे तिहारे तनके तुम संकट सब टारे जो काल को एक बार ते आए है ताके काल निक नह आए है अच्छा होयता है सब काला दुष्ट रिचटरी तत काला कृपा दृष्ट तन जाहे नह रहाओ ताके ताप तन कमो हरहाओ अरिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट साहस हो सके न कोई एक बार जिन तुम्हें सुम्बारा काल फास ते ताहे उबारा जिन नर नाम तिहारो कहा दारद दुष्ट दोख ते रहा अड़ग के तुम्हें शरण तिहारी आप हाथ दैले हो उबारी सर्व ठोर मोह हो सहाई दुष्ट दोख ते लिहो बचाई कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सुभ्राता केलविक सकल देह को हरता दुष्ट दोखियन को छय करता त्रियस्तु जब भय दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन बांछित फल पावै सोई दुख नत सह व्यापत कोई अडल सुनै गुंग जो जाहे सो रसना पावई सुनै मूढ़ चितलाए चतुरता आवई दुख दर्द पूर्णिक नत नर के रह हो जो जाकी एक बार चौपाई को कह चौपाई संबत सत्रह सहस पुनिजय अर्ध सहस पुन तीन कहिजय भाद्रव सुदी अष्टमी रवारा तीरस्तु द्रव ग्रंथ सुधारा सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को वाख तरे नहीं आने राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहें मत एक न माने सिमरत शास्त्र भेद सब बहु भेद कहें हम एक न जाने त्रिय सपान कृपा तुम रिकार मैं ना कहे ओ सब तोहे बखाने दोहरा सगल द्वार का उछाड़ कह गयो तुहारो द्वार बाहें गहे की लाज अस गोविंद दास तुहार वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हाँ जी हुण गुरु महाराज अपने स्थानां वल जाणगे ते नमस्कार करके बाकी बच्चों ने क्लास दे विच जाणा ते जो पग्गां दे मुकाबले वाले बच्चे ने दस्तार मुकाबले वाले या लंबे केस वाले उन्होंने लाइन बना के नमस्कार करके एक्टिविटी रूम दे विच जाणा क्योंकि इत्थे ठंड बहुत ज़्यादा उत्थे तुहाडे टीचर्स उत्थे तुहाडी वेट कर रहे हैं सो उन्होंने नमस्कार करके उधर चले जाना और बाकी बच्चे अपने टीचर दे नाल क्लासां दे विच जाणगे। सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु नाम वाहेगुरु सतनाम वाहे गुरु 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 सतनाम नाम वाहे गुरु सत नाम वाहे गुरु सत नाम वाहे गुरु।
सत नाम वाहे गुरु, सत नाम वाहे गुरु। सत नाम वाहे गुरु, सत नाम वाहे गुरु। सत नाम वाहे गुरु, सत नाम वाहे गुरु। सत नाम वाहे गुरु, सत नाम वाहे गुरु। सत नाम वाहे गुरु, सत नाम वाहे गुरु। सत नाम वाहे गुरु, सत नाम वाहे गुरु। सत नाम वाहे गुरु, सत नाम वाहे गुरु। सत नाम वाहे गुरु, सत नाम वाहे गुरु। सत नाम वाहे गुरु, सत नाम वाहे गुरु। सत नाम वाहे गुरु, सत नाम वाहे गुरु। सत नाम वाहे गुरु, सत नाम वाहे गुरु। सत नाम वाहे गुरु, सत नाम वाहे गुरु। सत नाम वाहे गुरु, सत नाम वाहे गुरु। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। हाँ जी टीचर्स, काइंडली पे अटेंशन, इट इज द टाइम ऑफ सेवंथ पीरियड। सेवंथ पीरियड इज गोइंग ऑन, सो वेयर योर ड्यूटीज, यू हैव टू अटेंड द क्लास। सातवां पीरियड चल रहा स्कूल दे विच, और जिहदी सातवें पीरियड दे विच जिथे भी ड्यूटी है, कृपा करके अपनी ड्यूटी संभाल लैन। एक बार फिर तो अनाउंस किया जाता है कि सैवंथ पीरियड है जिहड़ा वह चल रहा है, तो जिस दी भी सैवन पीरियड दे विच जिस क्लास दे विच ड्यूटी है, कृपा करके उत्थे चले जान। सब दा